कुलवीर प्रताप सिंह, क्या तुम एक बार फिर से मेरा हाथ थाम कर मेरे साथ पूरी जिंदगी निभाने का वादा करो? और इस बार हाँ, मैं अपनी शादी भी रजिस्टर कराने वाला हूँ। वेलकम टू IWM बस। और आज हम बात करने वाले हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर शो मेरे बलम थानेदार की, जहां आप सभी देखेंगे कि वीर और बुलबुल की शादी होगी। जी हां, सभी घर वाले काफी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बुलबुल सभी घर वालों के साथ मस्ती मजाक कर रही है और पहले आप बुझाने की कोशिश करती है, और तभी वीर आते हैं और सभी के सामने पहले तो बुलबुल से माफी मांगते हैं, लेकिन बुलबुल का नखरे दिखाना तो लाजमी है। जहां घर वाले भी बुलबुल का साथ देते हुए नजर आएंगे, वहीं वीर बुलबुल को प्रपोज करेंगे शादी के लिए। जहां ये बात सुनते ही सभी घर वाले काफी ही खुश हो जाएंगे, वहीं बुलबुल हैरान हो जाती है। इतना ही नहीं, बुलबुल की माँ भी वहां पे आई हुई है, और जब वीर प्रपोज करते हैं तो वीर तो बुलबुल और उसकी माँ एकदम शॉक हो जाएंगी। जहाँ बुलबुल हाँ तो बोल देती है, लेकिन मन में उसके एज को लेकर अभी भी कई सारे सवाल है। अब देखना ये है कि क्या दृष्टि को समझ में आ जाएगा बुलबुल का ये सच। फिर ये देखना वाकई दिलचस्प हो गया है। टीवी सीरियल की और कई सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए IWM बस। तो बेसिकली अभी जो भी सिद्धार्थ वाला ड्रामा हुआ, जो भी जितने भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे थे जहाँ पे वानी बुआ की शादी हुई, एंड जितना भी सारा ड्रामा हुआ उसमें उन यू नो वीर चाचू का जो अग्रेशन था, वीर चाचू ने जिस तरीके से बुलबुल चाची को ट्रीट किया वो बहुत गलत था। लाइक ठीक है, वीर चाचू का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही था कि लाइक कैसे मेरी बहन की शादी किसी से करवा सकते हो, बट एट दी एंड जो सब सुलझ गया, जो भी सब उलझा हुआ था वो सब सुलझ गया, तो वीर चाचू को रियलाइज हुआ कि बुलबुल चाची सही थी, एंड वो बुलबुल चाची से माफ़ी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे माफ़ी दे दो, मुझे माफ़ कर दो, एंड हम लोग सब लोग डम शराज खेल रहे हैं, हम लोग गेम खेल रहे हैं, तो सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वहीं पे वीर चाचू आते हैं, कहते हैं कि वो ना बुलबुल चाची के स्टाइल में जो सबसे कहते हैं ना कि मैं पहेलियाँ बुलझा रही हूँ, तो मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ, तुम भी उसका जवाब दो, एंड वो एक बहुत क्लासिक सी शायरी मारते हैं कि तुम मुझे माफ़ कर दो एंड ऑल। एंड तभी बुलबुल चाची कहती है कि वो बुलबुल चाची माफ़ करने ही वाली होती है कि हम मैं कहती हूँ कि देख लो चाची, अगर आपने अभी माफ़ कर दिया तो आपकी ये वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो हम लोग बेसिकली भड़का रहे हैं कि वीर चाची को थोड़ा सा और एफर्ट्स करना चाहिए, वीर चाची को थोड़ा सा और परेशान करना चाहिए, इतनी जल्दी माफ़ी नहीं देनी चाहिए। तभी वीर चाची कहते हैं कि नहीं, मैं मना के तुम्हें रहूँगा, एंड मैंने कहा तुम भड़काओ मत। तो ये छोटा सा यू नो मस्ती मजाक से सब चल रहा है। फिर वीर चाचू गाना गाते हैं, डांस करते हैं बुलबुल चाची के साथ, एंड अपनी नीज पे जाके बुलबुल चाची को प्रपोज करते हैं कि हमारी पहली बार जब शादी हुई थी तो ठीक से शादी नहीं हो पाई थी, लाइक कोई था नहीं कैसे सर्कमस्टेंसेस में शादी हुई थी, बट इस बार हम फिर से शादी करेंगे एंड मुझे उसके लिए तुम्हारा रोल बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो अब जब रियल बर्थ सर्टिफिकेट की बात आई है एंड बुलबुल चाची जो अंडर एज है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला माहौल जो है वो उठ रहा है, क्योंकि वीर चाचू जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया तो पता चल जाएगा कि बुलबुल चाची नाबालिग है। एंड तभी दृष्टि दी के दिमाग में अचानक से एक थॉट आता है कि मुझे देवेंद्र मतलब जो उनके डैड है उनको बोलना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट को लेके। तो यू नो मस्ती माहौल मजाक भी है, बट थोड़ी सी और प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी चल रही है कि फिर बर्थ सर्टिफिकेट की चीज़ें आ रही है, सच अगर सामने आ गया तो क्या मुश्किल होगी। एंड गीता जी भी कुछ तो बताने आई हैं बुलबुल जी को, मैडम देखना ये है कि वो क्या बताना चाहती हैं। अरे जाओ तेरे हसरे, आप गुड़ की ठेली, तुम भी खेलो ना हमारे साथ, थोड़ा सा आगे 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 रहता दृष्टि स्टार्ट वॉकिंग, गुड़ की ठेली तुम भी खेलो ना हमारे साथ। अरे नहीं मैं ये हाँ बस परेशान लग रही है अब। अरे माँ वो वाणी दीदी से याद आया, मैं आपको दिखाती हूँ ना वो शगुन की थाल, आइए आओ 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 मेरे साथ आओ आओ और आप लोग खेलने लगो। बुलबुल इधर तेरी मस्ती चल रही है वीर, खुला मस्ती में जा, ये इधर का। अच्छा तुम लोगों को बहुत आइडिया दे रही हो,
सब पहेलियां बुझाएंगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक पहेली है। अगर तुम्हारा पेट पैसपोर्ट तुम सबसे पहेलियां पूछ रही हो। आप माँ तो जरा तुम भी पहेली का जवाब दो। अपने 65% वाले अव्वल दिमाग का इस्तेमाल कर बोलो दोगी जवाब। हाँ हाँ ठीक है प्रतियोगिता में चैंपियन रही पूछिए। जिसने अपनी पत्नी का दिल दुखाया। अरे ये पहली का हुई था सा, आपको किसने कहा था कि ये पहली है? ये तो आपने शेरो शायरी वाली कर दी। वैसे मन ने पड़ेगा मारे साथ रहते रहते ना, आप शायद प्रताप सिंह तो बन ही जाने वाले हो। थोड़ा राइट बैलेंस फिर सब लोग देख रहे हैं उसे। सर आप लोग भी देख रहे हैं उसे। अरे आप लोग बोलिए ना मुझे। अरे कुछ तो बोलो ना बुलबुल। चाची सोच लो, अगर इतना जल्दी माफ कर दिया तो पहले तुम हो जाएगा। हां भाभी कमजोर नहीं पड़ना इनके साथ। एक सेकंड वर्णिका, और तुम लोग सब इनफैक्ट अपनी भाभी को भड़काओ मत। हां जटा आपकी गोलगोल बातों में नहीं आने वाली मैं, समझे? आपका कुछ नहीं होने वाला। आप मालपुर से भी नहीं मैं बिकने वाली। हाय सर ने ये किया सब हंस रहे पूरा हमारा एक्टिंग कर रही है। अरे आंसू की नदियां बह रही है, बस बाढ़ आने वाली है। मन ने माफ करिए लेकिन मैं आपको माफी ना दे सकी। बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी। हमेशा से माँ की इच्छा थी मेरी शादी और तुम्हारी और मेरी शादी हालात की है अच्छी मेमोरी शादी उठाने का कुछ पैसे एक बार भी होगा क्या तुम मेरा हाथ गुरुदीप प्रताप सिंह क्या तुम एक बार फिर से मेरा हाथ थाम कर ऐसा पूरी जिंदगी निभाने का वादा करूंगा और इस बार हाँ मैं अपनी शादी में रजिस्टर कराने वाला हूँ। तो हमारी शादी भी रजिस्टर करवा और हाँ इस बार मुझे तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट एक्चुअली चाहिए होगा। माँ गुड्डू का बर्थ सर्टिफिकेट दिला दीजिए मुझे। हाँ